दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विश्व हिंदू परिषद की चंबा जिला इकाई की ओर से गुरुवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के प्रस्तावित फैसले के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह की मान्यता का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजे हैं। इसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता के प्रस्तावित फैसले को मंजूरी न देने का आग्रह किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के हैं माननीय मुख्याधीश, उनको एक मेमोरेंडम ने उपायुक्त चंबा के माध्यम से भेजा है, जो कि सारे देश में इसी तरह के ज्ञापन जो है वो भेजे गए हैं। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि जिसमें जो सेम सेक्स के जैसे लोग हैं, जो सेम एक ही जो जेंडर हैं, समलैंगिक हैं, उनके विवाह की अनुमति, इस तरह का एक प्रस्ताव, इस तरह का एक डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुआ है या होने वाला है, उसका हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सारे देश में एक विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी एक पुरातन जो हिंदू संस्कृति है, इस देश की संस्कृति है, उसमें विवाह नाम की एक संस्था जो है वो संतति उत्पत्ति के लिए और परिवारों का एक तरह से मिलन इस रूप में लिया गया है और बड़ा पवित्र एक माध्यम माना गया है, और हमारी संस्कृति में कभी भी इस विषय को तवज्जो नहीं दी गई कि एक ही वय के, एक ही सेक्स के जो लोग हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं। इसको बड़ा एक तरह से अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि हमारी ये परंपरा जो है पुरातन है, हमने जो ये है जिसमें दो गुण होते हैं, स्त्री भाव भी हो, स्त्रीण भाव भी हो, पुरुष भाव भी हो, ऐसे सारे जो करेक्टर को हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, उसको स्वीकार किया है। क्योंकि हमारे आप देखें कि हमने ईश्वर को भी, शिव को भी अर्धनारीश्वर माना है और हमने उसकी पूजा की है। कृष्ण को भी जो हमारी कुछ संप्रदाय में है, उनको स्त्री वेश में वृंदावन में विचरण करते बताया गया है। बृहन्नला हमारे यहाँ जो अर्जुन है वो बृहन्नला के रूप में रहा है। ऐसी ऐसी बड़ी सारी, हाँ, शिखंडी है जो कि स्त्री उसमें जन्म लेके भी उन्होंने वीर पराक्रम से एक योद्धा के रूप में करके, इन सबको हमने स्वीकार किया। परंतु जो बाद में एक हमारे पे इन्वेजन हुआ, मुगलों का हुआ या अंग्रेजों का हुआ, तो उसमें हमारी संस्कृति में कई सारे ऐसे विकार आए जिसको हमने हे से देखना शुरू किया। वो समाज के अंग हैं, हे नहीं है, पर कभी भी समाज उसको स्वीकार करने की ऐसी अनुमति नहीं देता और ना देगा। और भी बड़े सारे विषय हमारे सामने इस माननीय उच्चतम न्यायालय के पास हैं, जैसे हमारा यहाँ का धर्म उसका है, गरीबी का एक विषय है, पॉपुलेशन का विषय है, पर्यावरण का विषय, बड़े सारे विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।